हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर हूँ कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 चयन अभ्यर्थियों का विवरण। बता देता हूँ, जैसा कि कई कैंडिडेटों का था कि भाई पिछला कट ऑफ कितना गया था, तो उसको लेकर के वीडियो बनाया गया है और कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आप एक बार देख सकते हैं। और LDC कट ऑफ का पूरा गणित किस प्रकार रहेगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये आप इस वीडियो में देख करके पता लगा सकते हैं। तो इस समय मैं सिर्फ इसमें 3 जिलों के बारे में बताऊँगा और आप इसके बाद अन्य ज़िलों का भी आप खुद अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो पिछला कट ऑफ को देखते हुए एक बार देखते हैं इसमें, जैसा कि वर्तमान में पद, मतलब उस समय जो भर्ती हुई थी उस समय इसमें कितना पद था, 239 था, उसका 460 था, उसके बाद 466 था। सिर्फ आपको इन तीनों पोस्टों पर ध्यान देना है। और अब वर्तमान में जो 4020 जो पदों पर भर्ती होना है, उसमें इन तीनों में कितना कितना पोस्ट है, और पिछली बार इन तीनों में इतनी पोस्ट होने के बाद कितना कट ऑफ गया था, अब इतनी पोस्ट हैं तो कितना कट ऑफ जा सकता है, इस बात को आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझना है, पूरे गणित के साथ समझना है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैं एकदम संभावित कट ऑफ बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप उसको पूरी वीडियो को देखते रहें। इसमें बोनस अंक लेने वाले नहीं लेने वाले इस तरह से दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं, इससे कोई है नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक कट ऑफ से देखना है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है नहीं। इन बातों को ध्यान रखना, आप अजमेर में 239, अलवर में 460, उसके अलावा बांसवाड़ा में 466। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं भाई, कार्यालय जिला परिषद अजमेर, अजमेर का विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया था। बता देता हूँ ये अजमेर का कितना कट ऑफ गया था, आप देख सकते हैं इसको, सामान्य का कट ऑफ गया था 73.4, महिला का 69.41, इसके अलावा विधवा का 39.52, इस तरह से गया था। और अन्य पिछड़ा OBC का 70.70, 66.83, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का देख सकते हैं, जनजाति का भी देख सकते हैं आप। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ सिर्फ सामान्य का। अब सामान्य को देखें 73.4, ये अजमेर का है। अजमेर का देखने के बाद आप एक बार अलवर का भी देख सकते हैं, दोनों का कंपेयर करके समझाया जाएगा। ये देख सकते हैं अलवर का है, अलवर का दे रखा 67.58, और इसका विशेष का दे रखा है, अन्य पिछड़ा OBC का दे रखा 64.57। इन दोनों को ध्यान रखना, 67.5 और 64.57, ठीक है ना भाई। अब मैं एक बार इसका पूरा कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। एक बार देख सकते हैं भाई, अजमेर का पिछला 239 था, कट ऑफ गया था 73.4, अलवर का 460 था, कट ऑफ गया था 67.5, लगभग 5% का डिफरेंट है, जनरल की बात कर रहा हूँ केवल बस में। उसके अलावा 4020 पदों पर होनी है वर्तमान में प्रथम चरण, तो इसमें अजमेर में कितना दे रखा है, 114 है, ये कितना दे रखा है, 182। आप इसमें एक बार इतना कंपेयर कर सकते हैं कि 239 और 239 का आप दुगना करोगे तो लगभग 460 के लगभग आएगा, तो दुगना करने पर 5% का डिफरेंट है, ध्यान रखना भाई, दुगना करने पर 5% का, पोस्टों का दुगना करने पर 5% का डिफरेंट है, क्योंकि ना तो कम पढ़े लिखे अजमेर में और ना ही अलवर में, क्योंकि सभी जगह समानता है और सभी जगह फॉर्म डाले जाते हैं, इसीलिए आप शिक्षा के तो आप देख ही नहीं सकते, कुछ ज़िलों में ऐसा फर्क पड़ जाता है TSV वाले क्षेत्रों में, इसके अलावा और तो सभी ज़िलों में एक जैसी बात रहती है, लगभग मैं लगभग लेके चल रहा हूँ संभावित, तो आपको 114 दे रखा है, 182 दे रखा है, लेकिन ये इसका दुगना नहीं है, ध्यान रखना भाई, ये इसका दुगना नहीं है, तो दोनों में 5% का डिफरेंट बिल्कुल नहीं आएगा। फर्स्ट बात तो ये हो गई कि जो वर्तमान में कट ऑफ जाएगी अलवर और अजमेर की, उसमें दोनों में 5% का डिफरेंट बिल्कुल नहीं आएगा। अब बात करेंगे भाई 114 और 182 की, देखा जाए तो एक पॉइंट लगभग 75 का गुना है, तो आपका ये कट ऑफ जो लगभग होगी 3% लगभग 3% बढ़ोतरी होगी इसमें, 3 से 4% है, या 3% मान सकते हैं आप, 3% की बढ़ोतरी होगी, दोनों के अंतर्गत डिफरेंट पाया जाएगा 3% का। अब बात करेंगे भाई इससे इसमें कितना परसेंट का डिफरेंट होगा, तो आप इसमें 2 से 3% आप माइनस कर सकते हैं, अर्थात अजमेर में इसकी कट ऑफ लगभग जाएगी 70 पॉइंट के और 71 का बीच में, ध्यान रखना भाई 70 से 71 के बीच में जाएगी। तो बता देता हूँ मैं, अजमेर का जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से लेकर के 71 के बीच में रहेगा, 70-71 का बीच में, और जो अलवर का जो कट ऑफ रहेगा वो पिछला बार 67.5 गया था, तो इसको देखते हुए ध्यान रखना भाई, इसमें कट ऑफ थोड़ी कम घटेगी, ठीक है ना भाई, जब इसमें कम घटेगी तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 65 से लेकर के और आप देख सकते हैं 66 के बीच में रहेगा, ठीक है ना भाई,
तो इन दोनों का कट ऑफ इस तरह से रहेगा। बात करते भाई हम इस तरह से इसका कैलकुलेशन रहेगा। अब इसमें आपका 12% का तो 70% दिया जाएगा, अनुभव का आपके पास 30% ले जाएगा, दोनों को मिलाकर के परसेंट मिलेगा। पिछला वीडियो में कई कैंडिडेटों का कमेंट था कि सर 80% वो तो इतना कट ऑफ गया नहीं था, तो वो उनका सिर्फ 70% लिया जा रहा था, अनुभव का उसमें ऐड नहीं किया गया था, उसके आधार पर उसकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना भाई। तो इसमें आप बांसवाड़ा का भी बता देता हूँ। बात करें भाई बांसवाड़ा की, सामान्य का, महिला, ये सब कुछ दे रखा है, अनारक्षित और ये सब कुछ दे रखे हैं। इसमें कट ऑफ था 65.97, तो ध्यान रखना भाई। पोस्टें कितनी थी इसमें 466। अब पोस्टें कितनी हैं बांसवाड़ा में पोस्टें इसकी 82, कितना है, सॉरी 82 नहीं 74 पोस्ट हैं, 74। तो टोटल पहले 466 थी, कट ऑफ इतना गया था, अब इसका 74 है, तो आप 7 × 7=42, इसका मतलब 6 का मतलब हो गया ये 65 पॉइंट जो गई है, इसका कट ऑफ वर्तमान में जाएगा वो 64 और 65 के बीच में जाएगा, 64 और 65 के बीच में ही रहेगा, ध्यान रखना भाई। इसका कट ऑफ जो है बहुत कम घटेगा, उसका कारण ये है कि इसकी पोस्टें इसमें बिल्कुल कम है, 74 पोस्टें इसीलिए। लेकिन इसमें कुछ खास बात यह है, इसकी ज़्यादा कट ऑफ कम जाने का मेन कारण क्या है कि ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो किसी ना किसी प्रकार से भर्ती में लग चुके हैं, तो इससे भी और कट ऑफ जाने के पूरे पूरे आसार हैं। ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, इसको संभावित बताया गया है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, इसका सेकंड चरण अवश्य होगा, क्योंकि अभी रिमेन अर्थात शेष पद खुद और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट किया जाएगा, जो द्वितीय चरण में कंप्लीट होंगे और कट ऑफ कम जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलने की पूरी पूरी आशंका है, सिर्फ और सिर्फ भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए। तो इस प्रकार से मैंने 3 जिलों का कट ऑफ बता दिया है कि कितना कट ऑफ गया था और कितना कट ऑफ कम जा सकता है। एक बार फिर देख सकते हैं, 65.97 गया था बांसवाड़ा का, उसके अलावा 73.73 जो 4 गया था वो गया था अजमेर का, और 67.5 गया था वो गया था अलवर का। जाने का पूरा आशंका, उसमें कट ऑफ कितना 239 पोस्टें थी, 460 थी और इसमें 466 थी। इसी के अलावा नेक्स्ट बात करते हैं भाई कट ऑफ जाने की, तो उसमें 70 से 71 के बीच में जाएगी अजमेर में, अलवर में रहेगी आपकी 65 से 66 के बीच में, उसी प्रकार से यह आपका ये 64 से 65 के बीच में पूरी पूरी जाने की आशंका है। इसके अलावा और कम कट ऑफ जाती है तो वो आपका भाग्य है, पैसे जहाँ से यहाँ तक हो सकता है तो कट ऑफ कम ही जाएगी, आपको पता होगा इसका कारण, क्योंकि कैंडिडेट इधर उधर कहीं ना कहीं लग चुके हैं, काफ़ी लंबित भर्ती है 2013 से अब तक की, क्योंकि इसको 9 साल कम्प्लीट हो चुका है। इसके अलावा और जिलों की कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाए, जल्दी आ जाएगी।